हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बीएड के संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर के आया हूँ। देखिए, आपको पता है 11 अगस्त 2023 को बीएड का एक फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला आया था, उसमें बीएड को अमान्य कर दिया था। तो उसी फैसले के अगेंस्ट आपका रिव्यू याचिका दायर की गई थी, यानी कि पुनर्विचार याचिका। तो आपकी कल 25 तारीख को यह रिव्यू याचिका आपकी दायर की गई थी। तो अब आपके फोन कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर, कल 25 तारीख को क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड को लेकर के आया है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं, क्या आपका बीएड प्राथमिक में शामिल कर लिया गया है। और यहां पर देखिए, एनसीटी और उसके अधिकारी यहां पर पूरे के पूरे तरीके से जिम्मेदार हैं, इस पर कंप्लीट चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं एक न्यूज़ बता देता हूँ। देखिए, न्यूज़ आपकी यहाँ पर यह रहने वाली है। क्या न्यूज़ है? देखिए, आपका देवेश वर्सेस आपका यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, इसी केस में आपका 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया था, फाइनल फैसला था, जिसमें बीएड को अमान्य कर दिया गया। तो जो बीएड को अमान्य किया गया था, इसी फैसले के अगेंस्ट आपका रिव्यू याचिका दायर की गई थी। इसकी जो हायरिंग होनी थी आपकी 25/7/2024 को, यानी कि आपका 25 जुलाई को, कल की डेट में होनी थी, और आपकी हायरिंग हो गई है। लेकिन अभी तक आप बोल रहे हो सर, इसका फैसला क्यों नहीं आया है? तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका फैसला आ गया है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया है। वो क्या फैसला है? तो देखिए, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, कंप्लीट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। जो आपकी रिव्यू याचिका दायर की गई थी 25 जुलाई को, यानी कि आपका देवेश शर्मा के कोर्ट केस में, जो देवेश शर्मा जी ने पिटीशन लगाई थी, उसके केस में रिव्यू याचिका, यानी कि पुनर्विचार याचिका। आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या किसी भी कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है, उस पर हम पुनः विचार याचिका लगा सकते हैं, ठीक है, जिसे आपका रिव्यू याचिका कहते हैं। यानी कि बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से कि आप इस पर एक बार पुनः अपना विचार रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है। लगभग 2 करोड़ विद्यार्थी इससे प्रभावित हैं, और ये विद्यार्थियों की गलती नहीं है, गलती एनसीटी की, उनके अधिकारी की है, और इसका हर्जाना विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए रिव्यू याचिका के लिए यहाँ पर पिटीशन लगाई गई थी, और कोर्ट की तरफ से उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। देखिए, रिव्यू याचिका जब भी एक्सेप्ट होती है ना, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वहीं पर जो चीज़ें ना उनके पक्ष में होने लगती हैं। तो जब से इसको एक्सेप्ट किया गया, तभी से खुशखबरी आना शुरू हो गई कि एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है, कि कोर्ट ने इस पर सोचा है, खुद ने सोचा है कि हाँ, हम इस पर फिर से विचार करेंगे। तो ये विचार भी बहुत बड़ी बात थी। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको चीज़ें लेके चलूँ। आपका 25 तारीख को, आपका 25 जुलाई को, 25 जुलाई को आपका रिव्यू याचिका पर सुनवाई होनी थी, और वो सुनवाई आपकी हुई है। अब देखिए, सुनवाई हुई है तो आप बोलेंगे सर, क्या निर्णय निकला? तो मैं आपको बता दूँ, कोर्ट में 2 तरीके से सुनवाई होती है। एक होती है आपका ओपन बेंच की तरफ से, ठीक है, एक होती है आपकी ओपन बेंच की तरफ से, एक होती है आपकी चैम्बर में। तो जो आपकी बीएड वाला जो मुद्दा था, उसकी सुनवाई आपकी चैम्बर में हुई है। अब चैम्बर में सुनवाई कैसे होती है? देखिए, चैम्बर में आपका सुनवाई होता है, उसमें ना तो कोई वकील रहता है, ठीक है, ना कोई पिटिशनर रहता है, वहां पर सिर्फ जजेज रहते हैं, और जजेज के पास वो सवाल रहते हैं जो सवाल यहाँ पर पुनर्विचार के लिए रखे गए थे। तो वकीलों की तरफ से जो विचार, जो सवाल रखे गए थे, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवालों की मैं बात करूं, तो पहला सवाल तो ये था कि सर, जिन विद्यार्थियों ने बीएड कर रखा है, उनमें विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं है, विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि विद्यार्थियों ने जो बीएड किया था, वो एनसीटीई की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी के बिहाव पर उन्होंने किया था। उन्होंने सोचा था कि अगर हम आप बीएड कर लेंगे, तो हमारा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी में हम वैलिड हो जाएंगे, और आगे हमारा जो अवसर है वो और बढ़ जाएंगे। तो ये विद्यार्थियों की गलती नहीं है, ये उनके अधिकारियों की, एनसीटी की गलती है। तो इस पर आप विचार कीजिएगा, और इससे लगभग 2 करोड़ स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं, तो इस पर कोई फैसला सुनाइएगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा था, और मुझे लगता है इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इस पर रिव्यू याचिका के लिए सुनने के लिए एग्री हुए थे। तो अब इसका सुनवाई हो गया है चैम्बर में। अब चैम्बर में जो सुनवाई होता है, उसका जो फैसला होता है, वो कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है, यानी कि कोर्ट खुद उसका नोटिफिकेशन निकालता है। तो अब कोर्ट इसका नोटिफिकेशन खुद से निकालेगा, खुद से इसको लेकर के जानकारी कोर्ट देने वाला है कि आपका यह एग्री हुआ है, डिसएग्री हुआ है, ठीक है, या आपका जो मुद्दा या आपका जो केस है, इसको वैलिड किया गया है, अनवैलिड। तो इसको लेकर के नोटिफिकेशन अभी आना है। देखिए, आपका 25 तारीख को यहाँ पर सुनवाई हुई थी, और आज आपका 26 तारीख हो गया है, अभी तक नहीं आया। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक आया नहीं है। अब देखिए, अब इसमें आप बोल रहे होंगे सर, खुशखबरी क्या है? तो खुशखबरी आपकी ये है, देखिए,
अगर उन्हें रिजेक्ट करना होता, अगर कोर्ट को रिजेक्ट करना होता इस मुद्दे को, तो वो तुरंत रिजेक्ट कर देते और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता, यस और नो करना होता था। और जो आपका पहले अकाउंट का पूरा का पूरा जो डाटा था, उसी में बस वो यस और नो करके उसको रिजेक्ट करके नोटिफिकेशन रिलीज कर देते। लेकिन अभी तक उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है। इसका मतलब है वो विचार कर रहे हैं और अच्छे से गहन अध्ययन इस पर हो रहा होगा और आपका तभी इसमें डिले हो रहा है। यानी कि जितना समय लगेगा उतना आपके लिए फायदा है, जितना समय लगेगा बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए उतना ही फायदा है। तो इस पर अब आपका जो हमारे प्राथमिक शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बीएड कर रखा है, उनके पक्ष में फैसला आने वाला है, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। और देखिए आपके पक्ष में फैसला आएगा, और देखिए एनसीटी भी अपना गलती को एक्सेप्ट कर रहा है और जैसा कोर्ट ने बोला था वो भी वैसा वैसा करता जा रहा है। आपको पता होगा मैंने अभी आपको वीडियो बनाया था कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स के लिए एनसीटीई ने आपका यहाँ पर गाइडलाइन जारी कर दी है। तो वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स लेकर क्या रहे हैं, किन के लिए, जो शिक्षक बन चुके हैं बीएड से। तो और अभी एक कुछ समय पहले उन्होंने 12 महीने का कोर्स को लेकर के भी जानकारी दिया है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर रखा है। तो एनसीटीई भी आपका एक्टिव है और वो भी चाहता है कि यहाँ पर बैलेट किया जाए। तो ये सारे के सारे पक्ष यहाँ पर रखे जा रहे हैं और हर कोई चाहता है कि बीएड को प्राथमिक में बैलेट किया जाए। अब कोर्ट का फैसला बाकी है और मुझे लगता है कोर्ट का भी फैसला हमारे पक्ष में आने वाला है, बीएड वाले विद्यार्थियों के पक्ष में आने वाला है। तो इस फैसले को लेकर के बस कुछ ही घड़ी बाकी है, यानी कि आज आ सकता है शाम तक आपका यह नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। ये तो मैंने वीडियो आपके लिए, आप ज़्यादा ही बोल रहे थे तभी मैंने लेकर के आया कि आपको एक बार बता दिया जाए कि जो फैसला आया है वो चैम्बर की तरफ से आया है और अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आपका रिलीज होता है कोर्ट की तरफ से, जैसे ही इस पर फाइनल मोहर लगती है, मैं आपको वीडियो लेकर के आऊंगा। या फिर आपका कोर्ट इसको अभी फाइनल मोहर लगाता है या आगे इस पर फिर से सुनवाई के लिए बोलता है, तो कुछ भी निर्णय आएगा मैं आपको वीडियो लेकर के आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीएड से संबंधित पल पल की अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़िएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ मैं आपको लेकर के आता हूँ, फालतू कोई न्यूज़ नहीं लेकर के आता हूँ। जो ऑफिशियल होता है वही मैं आपके बीच पेश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय जय भारत।